हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय OCDC चैनल के ऊपर। सो अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशन में हाई प्रोफाइल जॉब्स पाने की इच्छा रखते हैं, वो भी गवर्नमेंट रेगुलर जॉब्स, तो ये वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एम्स बठिंडा के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है अगस्त 2024 के लिए। तो बहुत सारी पोस्ट है, जैसे कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, साइकोलॉजिस्ट की, ब्लड ट्रांसफ्यूजनिस्ट, रीडर, लेक्चरर एंड मैनी मोर। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से सुने और समझें। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप अप्लाई करें, और स्टडी मटेरियल के लिए भी आप थंबनेल में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट है रीडर और एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, साइंटिस्ट CFM की एक पोस्ट है, साइंटिस्ट CGynae की 1 पोस्ट, देन लेक्चरर इन नर्सिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 पोस्ट, सीनियर मेडिकल ऑफिसर आयुष जो आयुर्वेदा डिपार्टमेंट होता है उसमें 1 पोस्ट, देन सीनियर प्रोग्रामर इसकी 1 पोस्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट पोस्ट आती है हमारी मेडिकल ऑफिसर आयुष की 3 पोस्ट, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2 पोस्ट, असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजनिस्ट ऑफिसर 1 पोस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 1 पोस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट 1 पोस्ट एंड वेटरनरी ऑफिसर की 1 पोस्ट। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले बात करें रीडर और एसोसिएट प्रोफेसर की, इसके लिए मास्टर डिग्री आपके पास नर्सिंग में होनी चाहिए और आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्स और मिडवाइफ, एंड 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस, ठीक है, आफ्टर मास्टर डिग्री, एंड PhD जो है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। साइंटिस्ट CFM के लिए आपको PhD इन पब्लिक हेल्थ होना चाहिए एंड अलाइड साइंसेस। एंड बात करें इसमें और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अगर आपने PhD हेल्थ, PhD कम्युनिटी हेल्थ, PhD पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स एंड PhD डेमोग्राफी स्टैटिस्टिक्स, PhD सोशल वर्क या फिर PhD सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस में की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट CGynae के लिए आप के पास अगर PhD इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर PhD इन मैटरनल हेल्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करें लेक्चरर इन नर्सिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी आपके पास होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, उसके बाद आपके पास प्रॉपर RN नंबर होना चाहिए एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस आफ्टर MSc, जिसमें 2 साल का कम से कम टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर मेडिकल ऑफिसर आयुष के लिए जो आयुष के 5 स्ट्रीम्स होते हैं, किसी में भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एज सबके सामने दी हुई है पोस्ट की, कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, तो हर एक की डिफरेंट एज स्पेसिफिक दी गई है, अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर प्रोग्रामर के लिए आपके पास होना चाहिए BE और BTech और MCA और BSc विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर आयुष के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रेलेवेंट स्ट्रीम में जो आयुष के स्ट्रीम होते हैं, ठीक है, 21 से 35 साल की एज चाहिए आपकी और एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का। नेक्स्ट है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इसके लिए आपके पास BSc नर्सिंग उसके बाद होना चाहिए, फिर आपके पास BSc पोस्ट सर्टिफिकेशन, ओके, और इक्विवेलेंट सच एज BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक। तो अगर आपने पोस्ट बेसिक किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड एक्सपीरियंस चाहिए आपके पास 6 ईयर्स का, ठीक है, 200 बेड के हॉस्पिटल में, 21 से 35 साल की आपकी एज होनी चाहिए। अगली पोस्ट आती है असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की, इसके लिए आपके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द 1st और 2nd शेड्यूल और Part 3 ऑफ द 3rd शेड्यूल, ओके, और एज चाहिए आपकी अप टू 30 ईयर्स। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए आपके पास चाहिए MA और MSc इन साइकोलॉजी एंड MPhil, ओके, MPhil चाहिए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड एक्सपीरियंस चाहिए एटलीस्ट 2 साल का क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही, और 21 से 35 साल की एज होनी चाहिए और PhD डिज़ायरेबल है। नेक्स्ट है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, इसके लिए आपके पास होनी चाहिए MA और MSc इन साइकोलॉजी विद MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड 2 साल का चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस, ओके, जो कि चाइल्ड और एडोलिसेंट के साथ होना चाहिए एक्सपीरियंस, और PhD इसमें भी प्रेफरेबल है। वेटरनरी ऑफिसर के लिए आपके पास BBSc जो बैचलर डिग्री होती है वेटरनरी की भी होनी चाहिए, एंड प्रेफरेंस मिलेगी जिनके पास मास्टर डिग्री होएगी, ओके, तो इसमें भी एज है अप टू 35 ईयर्स। सो इस इन्फॉर्मेशन को सभी के साथ शेयर करना मत भूलें, और चैनल के साथ जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब का बटन दबा लें, एंड
स्टडी मटेरियल के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9569677123 पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।